डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसके एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत भारत बना हुआ है तो इसके पीछे तीन महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तीन हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और ये तीन हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक सुदूर अरुणाचल में आप जाएंगे तो अरुणाचल में आज भी रुक्मणी की कथा लोगों के मन में उसी प्रकार से रसी बसी है जैसे हम इस वृद्धभूमि में आते हैं तो राधे रानी की जय कहने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते। और यही भाव सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में महारानी रुक्मणी के साथ भी जुड़ा हुआ है।